लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद भागलपुर पुलिस पहले से ज्यादा एक्टिव दिख रही है। जिले भर में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने बुधवार को खुद पुलिस कप्तान आशीष भारती शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचे और ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया। भागलपुर स्टेशन चौक पर SSP आशीष भारती ने CDSP राजवंश सिंह समेत कई अधिकारियों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और ड्यूटी में तैनात जवानों से फीडबैक लिया। इस दौरान SSP ने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें सीधा जेल भेज दिया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने कहा कि सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है एवं पुलिस प्रशासन की ओर से दिन रात गश्ती की जा रही है। वहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और बेवजह घूमने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन 2 की ऑन द स्पॉट रिपोर्ट। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भागलपुर में जो गतिविधि है वह तेज कर दी गई है और इसको लेकर के खुद पुलिस कप्तान आशीष भारती सड़क पर उतर चुके हैं। स्टेशन चौक पर देख रहे हैं SSP आशीष भारती, CDSP समेत कई अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर चेकिंग की जा रही है और SSP खुद सड़क पर उतर करके विशेष दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे यह बात कही जा रही है कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं और बिना जो लोग घर से अनावश्यक निकल रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त SSP आशीष भारती खुद स्टेशन चौक पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर क्या विशेष व्यवस्था है पेट्रोलिंग की। सभी जो पूरे भागलपुर जिले में सभी थानों में अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था की गई है ताकि लॉकडाउन सख्ती से अनुपालन हो सके। जो हमारे DRI क्षेत्र हैं उसमें घुड़सवार दस्ता लगातार भ्रमण कर रहा है और साथ ही साथ सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रह करके लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या दियारा का क्षेत्र हो उसमें चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और लॉकडाउन तोड़ने वाले को पुलिस प्रशासन की सख्त नज़र है। पुलिस प्रशासन उसके ऊपर नज़र रखे हुआ और कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक भागलपुर में एक दर्जन से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में। SilkTV भी आपसे अपील करती है कि पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का सहयोग करें, तभी आप कोरोना वायरस के चैन को तोड़ सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, SilkTV भागलपुर। जन धन खाता से रुपए निकालने के लिए बुधवार को भी लाभुकों की भीड़ बैंकों के सामने लगी रही। इस दौरान बैंक के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन बैंक के बाहर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने में प्रबंधन लापरवाह बना रहा। कुछ बैंक के बाहर पुलिस नजर आई, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग एक दूसरे से सटकर ही लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन भागलपुर की जो तस्वीर, बैंक के बाहर की तस्वीर देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि जनधन खाताधारी हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने बैंक के बाहर आए हुए हैं और पैसा निकालने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही यहाँ पर उमड़ी हुई है और लोग अपने जनधन खाता से जो राशि उनकी गई है सरकार की ओर से वह उसे निकालना चाहते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें जरा भी ख्याल नहीं रखा गया, ना ही बैंक प्रबंधन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है कि जो खाताधारी हैं, जो पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या कोई सुविधा यहां पर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं यहां पर, जो संबंधित थाना है उसके अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जो तस्वीर है साफ यह स्पष्ट करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की भागलपुर में बैंक के बाहर धज्जियां उड़ रही है। हम आपको बता दें कि जो जनधन खाता में जो राशि आई है, जब हमने बैंक प्रबंधन से बात की तो उन्होंने बताया कि जो जनधन खाताधारियों की जो राशि है वो पूरी तरह बैंक में सुरक्षित है। लोग हड़बड़ी में पैसा निकालना चाहते हैं बैंक से। हम SilkTV आपसे यह अपील करती है कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन में अपना सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपकी राशि बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है, आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, SilkTV भागलपुर।
केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से बुधवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित आरपीएफ कार्यालय परिसर में मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। लॉकडाउन को लेकर संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार एवं जीआरपी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार की मौजूदगी में पुलिसकर्मियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश का वितरण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जीआरपी एवं आरपीएफ के सभी महिला एवं पुरुष जवानों के बीच मास्क एवं ग्लव्स का वितरण किया गया। लॉकडाउन में अपनी सुरक्षा का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की अपील भी की गई। अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि संघ की ओर से लॉकडाउन के दौरान जिले में कई जगहों पर सामाजिक कार्य करने के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए संस्था की ओर से जागरूक किया जा रहा है। संस्था ने आरपीएफ और जीआरपी के सभी जवानों की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटा है और पूरे जिले में जरूरतमंद लोगों के समक्ष दवा पहुँचाने के साथ कई तरह से अपने सेवा भी दे रही है। इस मौके पर सुबीर कनोडिया, सुमित अग्रवाल समेत संघ के सदस्य एवं रेल सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। महामारी को लेके केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोग भागलपुर रेलवे स्टेशन पे हमारे जितने भी आरपीएफ के जवान और जीआरपी के जो जवान हैं उनको हमारे आरपीएफ प्रभारी महोदय श्री अनिल कुमार जी और जीआरपी थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में उन लोगों को मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर जो है वो वितरण किया गया है ताकि वो उसका उपयोग वो कर सकें और किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोग जागरूकता अभियान आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वावधान में चलाते हैं। साथ ही साथ हम लोग गाँव में जगह जगह पर जागरूकता अभियान कोरोना वायरस को लेकर चला रहे हैं। संस्था के द्वारा 4 एम्बुलेंस इसी काम में लगी हुई है जिसमें कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, अगर मास्क ना हो तो गमछे का या रुमाल का प्रयोग करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग आरपीएफ जीआरपी के साथ मिलकर आज सभी को जो है वितरण किया गया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र रामपुर गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान रामपुर गांव निवासी अवधेश चौधरी की पत्नी शालो देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। मृतका के पति अवधेश चौधरी ने कहा कि बुधवार की सुबह शालो देवी खाना बना रही थी, तभी अचानक चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। इसके बाद काफी प्रयास करने के बाद भी पत्नी को होश नहीं आया और उनकी मौत हो गई। मृतका के ससुर बच्ची चौधरी ने कहा कि शालो देवी को पहले भी चक्कर आने की बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, जबकि ग्रामीण दबी जुबान में कई सवाल खड़े कर रहे थे। इसको लेकर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने कहा कि घटना की छानबीन की जा रही है और मृतका के मायके वालों के बयान पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब रोटी बेलने के लिए तैयार रहता लेकिन वो तब तक लग वो खत्म हो गया। पूजा करके पानी फिर बुला के पानी देने के लिए आया तो फिर तब तक खत्म हो गया। लोग उधर सफाई करने गए थे, वहाँ पर सफाई करते करते बच्चा गया, लारा भूसा साफ कर रहे थे, बच्चा उतर गया, बोला चाची गिर गया, तुम्हारा गिर गया, पानी दे रहे हैं, पानी है, बुखार लग गया, ये हो गया, वहाँ से आते हैं तो बोलता खत्म। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जगह जगह विशेष सावधानी बरती जा रही है। भागलपुर नगर निगम द्वारा भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। निगमकर्मी सड़क पर चलने वाले वाहनों के अलावा दुकान, मकान और प्रतिमा को सुपर सकर मशीन के जरिए सैनिटाइज करने में लगे हैं। वहीं नगर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा है। उप नगर आयुक्त ने बताया कि बड़ी मशीन, जेंटिंग मशीन, अग्निशामन की गाड़ी सहित हैंड मशीन से भी छिड़काव किया जा रहा है। देखिए कोविड-19 डिजीज का जब से प्रभाव हुआ है तब से लगातार नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। सैनिटाइजेशन बेहतर तरीके से हो इसके लिए प्रारंभ से ही 61 पोर्टेबल स्प्रेयर और 3 जेटिंग मशीन से नगर निगम क्षेत्र में पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाकर के सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा तो हम लोगों ने बैठ के समीक्षा किया कि अभी भी सैनिटाइजेशन पर और बल देने की आवश्यकता है। अभी तक जो सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा था तो उसमें और फोर्स बढ़ाने के लिए और उसके इफेक्टिवनेस को लाने के लिए हम लोगों ने 4,500 लीटर
कैपेसिटी का एक नया स्प्रेयर मशीन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान घटिया अनाज मिलने से लाभुकों में काफी आक्रोश है। बुधवार को भागलपुर गुमटी नंबर 3 के समीप घटिया अनाज मिलने से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं अनाज बांट रहे डीलर ने कहा कि आपूर्ति विभाग से उन्हें जो अनाज मिला है उसे ही वह बांट रहे हैं। इधर हंगामा की सूचना जैसे ही इसाकचक थाना प्रभारी संजय कुमार सुधांशु को मिली, वैसे ही थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। इसके बाद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने डीलर द्वारा बांटे जा रहे अनाज की जांच की और घटिया अनाज को बदलकर फ्रेश अनाज बांटने का निर्देश दिया। वहीं लाभुकों ने डीलर पर मनमानी करने और कम अनाज देने का आरोप लगाया है। सर यही चाहते हैं कि पहले बात हम लोगों को तकलीफ है, अनाज जो मिल रहा है अनाज अच्छा मिलना चाहिए हम लोग खा सके। अभी जो कंट्रोल में आ रहे हैं एक सप्ताह से बोल रहा है अगले 2 महीना में आएगा, 2-3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा। अरवा चावल है, खराब है, नहीं लेंगे। उनका शिकायत है कि कम भी दे रहे हैं आप? कम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब शिकायत बनता है तो 100 शिकायत बनता है सर। देखिए कुछ गोदाम से जो मतलब खराब चावल आया है, हाँ। तो हम लोग जो सहायक गोदाम प्रबंधक के थ्रू जो गोदाम से चावल आता है उनसे वापस करवा के फ्रेश चावल मंगवा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा कम वजन दिया जा रहा है? नहीं, वो तो नापने का अथी है, मतलब यदि कम वजन दिया जाएगा तो कार्रवाई डीलर पर होगी। पशु व्यवसायी से लूट मामले में बांका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड कुंदन कुमार के साथ गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि बीते 7 मार्च को पशु व्यवसायी कटोरिया बसमत्ता निवासी मोहम्मद सुल्तान से अपराधियों ने 36,000 रुपए और बाइक लूट लिया था, जिसके बाद से पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी। बताया जाता है कि मोहम्मद सुल्तान अपनी नानी घर चुड़ैला जा रहा था, तभी कुंदन कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले को लेकर बांका थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि कुंदन और उसके गिरोह का कई राज्यों में नेटवर्क फैला है एवं वह पूर्व में भी चोरी लूट समेत कई मामले में जेल की हवा खा चुका है। कुंदन की तलाश भागलपुर समेत झारखंड की पुलिस भी कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि कई माह पूर्व बांका थाना क्षेत्र के प्रभावती नगर के समीप कुंदन ने 63,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए इसमें हम लोग यहाँ शहर में कुछ आपराधिक घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें एक अपराधी कुंदन कुमार जो बांका थाना क्षेत्र का ही है उसकी संलिप्तता पाई गई थी। हम लोग उसकी काफ़ी तलाश कर रहे थे। अभी वो 4 कांडों में वांछित है, लूट के कांड है और इसके अलावा भी पूर्व से भी कई कांडों में आरोप पत्र रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। उसके पास से लूट की मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल के साथ साथ 4 उसके अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उसने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है और उसके साथ सबसे बड़ा साक्ष्य है कि उसके पास से ही लूटी हुई मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद। भागलपुर के खुटहा गांव में दर्जन भर बिजली का पोल गिर जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह तेज आंधी बारिश आने के बाद गांव में लगे बिजली के पोल गिर गए, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत फैल गया और जहां बिजली आपूर्ति ठप हो गई वहीं लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि पोल गिरने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद घंटों बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा पोल हटाने या व्यवस्थित करने की कोई पहल नहीं की गई है। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन आवश्यक कार्य से बाहर निकलना पड़ता है, जबकि बिजली नहीं रहने से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की अहले सुबह अचानक आई तेज आंधी एवं बारिश के कारण शहर में जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बन गई। भागलपुर के भोलानाथ पुल के समीप जल जमाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और दक्षिणी क्षेत्र से आवागमन बाधित हो गया। एक ओर जहां जल जमाव से आवागमन बाधित हो गया, वहीं घंटे भर की बारिश से भोलानाथ पुल के समीप हुए जल जमाव से नगर निगम के व्यवस्था की पोल खुल गई। घंटे भर की बारिश के बाद कमर से अधिक पानी भर जाने से इस मार्ग से गुजरने वाले सभी राहगीरों एवं चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि यह हाल पहली बार नहीं हुआ है जब भोलानाथ पुल के समीप जल जमाव से लोगों को परेशानी हुई है। बारिश के मौसम में कमोबेश यह स्थिति दिखाई देती है। गौरतलब हो कि जब गर्मी की शुरुआत और घंटा भर की बारिश में यह हाल है तो बारिश के मौसम में क्या नजारा होगा यह समझा जा सकता है।
जगदीशपुर थाना अंतर्गत बुधवार को तेज रफ्तार बाइक सवार अंगारी डवरिया पुल से नीचे नदी में गिर गया। नदी में गिरने के बाद मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बाराहट निवासी रोशन उपाध्याय के रूप में हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक कनेरी गांव अपने बहन के घर आया था, जहां से मिर्जानहाट जाने के दौरान डावरिया पुल पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। सुबह जब ग्रामीणों की नज़र मोटरसाइकिल और शव पर पड़ी तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने जगदीशपुर थाना को दी। सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष एसके सत्यार्थी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन जारी रखने की घोषणा की है। इसको लेकर भागलपुर के व्यवसायी वर्ग के लोग भी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते दिखे। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला ने कहा कि सबसे पहले व्यवसायियों ने ही पीएम द्वारा लॉकडाउन किए जाने का समर्थन किया था और इसका परिणाम है कि आज दुनिया भर में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उसकी अपेक्षा भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से व्यवसाय और आम लोगों को नुकसान होगा, लेकिन कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन सबसे कारगर उपाय है। नितिन भुवानिका ने कहा कि देश और देशवासियों के हित में लॉकडाउन आवश्यक है। पहले हमारा जीवन बचेगा, तभी व्यवसाय आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन कर अपने कर्मियों को भी उचित सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वहीं अभिषेक जैन ने कहा कि जनहित को लेकर पूरी तरह से पीएम के फैसले का समर्थन करते हैं और सभी देशवासी लॉकडाउन का पालन करें। चंद बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर ने 21 मार्च को सबसे पहले ही भारतवर्ष में इस लॉकडाउन का समर्थन किया था। जब जनता कर्फ्यू लगा था उसका हम लोगों ने उस दिन 3 दिन और इंतजाम किया था। ये हमारी प्राथमिकता रही पूरे भारतवर्ष में। और उसके जस्ट दूसरे दिन हमारे भारत के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉकडाउन घोषित किया गया 14 अप्रैल तक के लिए, जिसका हम लोगों ने पूर्णतया समर्थन दिया और पूरे भारतवर्ष ने समर्थन किया। और हेल्थ के ख्याल से और कोरोना से लड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक था और इसको हम लोगों ने बखूबी निभाया है, जिसका रिजल्ट आज है कि हम लोग सबसे कम प्रतिशत लोग बीमार हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बिना इस महामारी से हम लोग को निजात नहीं मिल सकती। इसका सिर्फ यही एक दवाई है, अभी किसी प्रकार की इसकी कोई वैक्सीन नहीं करेंगे तो हम लोग लॉकडाउन रह कर ही इसको हरा सकते हैं। बाकी बात रही व्यवसायियों के, व्यवसाय के ऊपर तो बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी जान है तो जान है, पहले जान बचाना है। अगर जान रहेगी तो हम लोग काफ़ी व्यवसाय और आगे भी करेंगे। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है, उसके लिए मैं व्यापारी वर्ग को यही कहना चाहूँगा, जो नियम और कानून जो ऊपर से आया है, सरकार की तरफ से निर्देश आया है, उसको फॉलो करें और हम लोग कोशिश करें कि कोरोना को कोई जंग को जल्द से जल्द हटा सके भागलपुर से। और हमारा यही प्रयास रहे कि जो भी सूचनाएं यदि कोरोना के बारे में आए तो हम लोग अपने विभाग को दें ताकि कोरोना भागलपुर से जल्द दूर हो सके। कोरोना वायरस को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण सामाजिक संगठन के अलावा कई युवा एवं दुकानदार भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भागलपुर पटेल बाबू रोड कवाड़ी टोला लेन में मिठाई व्यवसायी अपने सहयोगियों के साथ भूखे लोगों को भोजन करा रहे हैं, जबकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। व्यवसायी सतीश शाह कानपुरिया लॉकडाउन के कारण गरीब एवं फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वालों के लिए खुद से भोजन तैयार कर रहे हैं और रोजाना अपनी दुकान के समीप और शहर के कई झुग्गी झोपड़ी वाले बस्तियों में भोजन वितरण कर रहे हैं। इस कार्य में उनके मित्र मनोज लाठ, सुजीत कुमार एवं राजेश यादव के अलावा कई सहयोगी उनका साथ देते दिखाई दिए। सतीश शाह कानपुरिया ने कहा कि लॉकडाउन में काफी लोग भूखे सोने को मजबूर हो गए हैं और दुकान बंद होने से काम धंधा भी ठप पड़ गया है, लेकिन इस समय का सदुपयोग करने के लिए भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। साथ ही सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की बात कही। आज हमारे पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके लेके हमारे अपनी सरकार भी पूरी तरह सजग है। सरकार के साथ साथ हम लोग भी थोड़ी सी अपनी योगदान दे रहे हैं। भूखे गरीब को खोज खोज के हम लोग खाना वाना खिला रहे हैं। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, इसलिए कि हम अपने 5 साथियों को लेके आज 14 दिन से भोजन वगैरह का वितरण कर रहे हैं। गरीब लोगों को खोज खोज के खाना खिला रहे हैं, ठेला वाले हैं, भिखमंगे लोग हैं, इनको भी खानी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए हम अपने 5 साथियों को मिलकर कुछ खाना का पूर्ति कर रहे हैं।